मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी को दी गई हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। उधर ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इन सब के बीच ईडी ने पात्रा चौल जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा सुराग हाथ लगने का दावा किया है। ईडी ने संजय राउत के घर से एक डायरी हाथ लगने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस डायरी में कोडवर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र है। साथ ही कोडवर्ड में उन लोगों के नाम है जिन्हें 1,17,00,000 नगद दिए गए थे। साथ ही कोर्ट के साथ डायरी में दर्ज नामों का अर्थ क्या है, इस बारे में पूछताछ के दौरान संजय राउत और उनके करीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। खास बात यह है कि ईडी ने इसी डायरी के आधार पर कोर्ट से राउत की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि ईडी ने 31 जुलाई को पात्रा चौल जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके घर की तलाशी ली गई थी। साथ ही उनसे करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब भी किए गए। तलाशी के दौरान 1,17,00,000 रुपए के लेखा जोखा दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही ईडी ने एक डायरी भी जब्त की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राउत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।